अवंतपुर विधायक और महासमुंद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे धनेन्द्र साहू ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। गरियाबंद जिले के देवभोग में अपनी हार की समीक्षा करने पहुंचे धनेन्द्र साहू ने कहा कि गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गौडसे की विचारधारा के लोग सत्ता में आ गए हैं कि लोग अपने कार्यालय में राष्ट्र ध्वज नहीं फहराते, आज वही लोग राष्ट्र धर्म की बात करके देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश में हो रही बिजली कटौती के लिए भी उन्होंने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। दुर्भाग्य है इस देश में, जिस विचारधारा के चलते महात्मा गांधी जी की हत्या हुई है, आज ऐसे नाथूराम गोडसे की इस देश में पूजा हो रही है, मंदिर बन रहे हैं, उनके प्रशंसक लोग हैं और उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करके चुनाव भी जीते। 15 साल का भारतीय जनता पार्टी की अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का पाप है जिसको जनता झेल रही है। 15 साल में ट्रांसफार्मर खरीदी में खूब भ्रष्टाचार किए, आज थोड़ा सा हवा पानी होता है ट्रांसफार्मर भ्रष्ट हो जा रहा है।